मेरे प्यारे बच्चों, मैं कविता शुक्ला, कक्षा UKG की कक्षा अध्यापिका। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 33 यानी 33, और पेज नंबर 33 में है छोटी ई की मात्रा। वो ल क र बोल कर पढ़ो, पढ़ो बोल कर पढ़ो। इसका मतलब है कि ये सारे जो शब्द दिए हुए हैं इनको आपको बोलना है और पढ़ना सीखना है, और ये सारे शब्द में कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा। तो बच्चों, हम कैसे पहचानेंगे कि ये छोटी ई की मात्रा है? जब मात्रा वर्ण के आगे से लगा हुआ होता है तो वो छोटी ई की मात्रा होती है। जैसे कि ये क है और क के आगे से ये मात्रा लगी हुई है, यानी क से पहले मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गई छोटी ई की मात्रा। और आपको पता है, जब हम छोटी ई की मात्रा बोलते हैं तो हम उसको ज़रा जल्दी से बोल देते हैं। जैसे क में छोटी ई की मात्रा की, इसको हम देर तक की ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे की। क में छोटी ई की मात्रा की, न किन। ग में छोटी ई की मात्रा गी, न गिन। छ में छोटी ई की मात्रा छी, न छिन। ट में छोटी ई की मात्रा टी, न टिन। द में छोटी ई की मात्रा दी, न दिन। ये थे दो वर्णों वाले शब्द। अब हम यहाँ पढ़ेंगे तीन वर्णों से बने शब्द। इसमें देखिए 1, 2 यानी दो ही वर्ण थे, और इसमें है 1, 2, 3 यानी तीन वर्ण। प त में छोटी ई की मात्रा ती, और ता त पे आ की मात्रा ता, पतिता। र व में छोटी ई की मात्रा वी, और त में आ की मात्रा ता, रविता। स व में छोटी ई की मात्रा वी, और त में आ की मात्रा ता, सविता। क व में छोटी ई की मात्रा वी, और त में आ की मात्रा ता, कविता। न न में छोटी न म में छोटी ई की मात्रा मी, और त में आ की मात्रा ता, नमिता। पतिता, रविता, सविता, कविता, नमिता। और ये था किन, गिन, छिन, टिन, दिन। अब फिर से हम तीन वर्णों वाले ही शब्द पढ़ेंगे, लेकिन इसमें दो जगह ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगी है, इसमें भी और इसमें भी। सब में देखिए दो दो जगह छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? च में छोटी ई की मात्रा ची, ड में छोटी ई की मात्रा डी, और य में आ की मात्रा या, चिड़िया। ट में छोटी ई की मात्रा टी, क में छोटी ई की मात्रा की, और य में आ की मात्रा या, टिकिया। ड में छोटी ई की मात्रा डी, ब में छोटी ई की मात्रा बी, और य में आ की मात्रा या, डिबिया। ब में छोटी ई की मात्रा बी, ट में छोटी ई की मात्रा टी, और य में आ की मात्रा या, बिटिया। स में छोटी ई की मात्रा सी, ल में छोटी ई की मात्रा ली, और य में आ की मात्रा या, सिलिया। चिड़िया, टिकिया, डिबिया, बिटिया, सिलिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है चार वर्ण, 1, 2, 3, 4, और इसमें छोटी ई की मात्रा दो दो बार लगी हुई है सब में, यहाँ भी यहाँ भी। देखिए सब में दो दो जगह छोटी ई की मात्रा लगी है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ना सीखिए। क में छोटी ई की मात्रा की, श किश। म में छोटी ई की मात्रा मी, श मिश। किश मिश, किशमिश। देखिए ये बड़ा है तो इसको हम आधा आधा करके पढ़ लेंगे, एक साथ में पढ़ने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको हम आधा पढ़ेंगे। पहले ये दो अक्षर वाले मिला के पढ़ लेंगे, फिर इधर के दो अक्षरों को मिला के पढ़ेंगे। जैसे कि ग में छोटी की मात्रा गी, र गिर। फिर ग में छोटी की मात्रा गी, ट गिट।
अब गिर और गिट दोनों को हम एक साथ बोल देंगे तो ये बन जाएगा गिरगिट। क में छोटी की मात्रा की, र किर, म में छोटी की मात्रा मी, च मिच। अब दोनों को एक साथ बोल देंगे तो ये बन जाएगा किरमिच। झ में छोटी की मात्रा झी, ल झिल, म में छोटी की मात्रा मी, ल मिल। दोनों एक साथ बन जाएंगे झिल मिल झिल मिल। र में छोटी की मात्रा री, म रिम, झ में छोटी की मात्रा झी, म झिम रिम झिम। किशमिश, गिरगिट, किरमिच, झिलमिल, रिमझिम। बच्चों ऐसे ही आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है और डेली पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से पढ़ना आएगा। इसमें वाक्य दिया हुआ है, अभी तक तो आपने शब्द पढ़ा है, अब यह है वाक्य, तो इसको भी आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। क में छोटी की मात्रा की, र ण किरण, क्वामा त, क में छोटी की मात्रा की और य में आ की मात्रा या तकिया, न में छोटी की मात्रा नी, क में आ की मात्रा का, ल निकाल, किरण तकिया निकाल, र और व में छोटी की मात्रा वी, रवि, च में छोटी ई की मात्रा ची, ड में छोटी ई की मात्रा डी और या चिड़िया, ग में छोटी ई की मात्रा गी, न गिन, रवि चिड़िया गिन, द में छोटी ई की मात्रा दी, न दिन, न में छोटी ई की मात्रा नी, क ला दिन निकला, व में छोटी ई की मात्रा वी, म ला विमला, ऊ ठ उठ, व में छोटी ई की मात्रा वी, क में आ की मात्रा का, स विकास, क में छोटी ई की मात्रा की, ता ब किताब, प ढ पढ़, विकास किताब पढ़, प में छोटी ई की मात्रा पी, क न में छोटी ई की मात्रा नी, क पिक निक पिकनिक, प र पर, सा ई, क में छोटी ई की मात्रा की, ल साइकिल का, प ह में छोटी ई की मात्रा ही, या पहिया, न में छोटी ई की मात्रा नी, क ल निकल, ग या में आ की मात्रा या गया, पिकनिक पर साइकिल का पहिया निकल गया। इसी तरह से आपको पढ़ने का अभ्यास करना है और डेली पढ़ना है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ना सीखा है बुक में, हर एक पेज आपको डेली पढ़ना है, तब आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। अब हम इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। लिखा है चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। कुछ चित्र बने हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इसको आपको पहचानना है और इसका नाम लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। ये किस चीज़ का चित्र है? ये है तकिया। और तकिया कैसे लिखेंगे? यहाँ लाइन बनी हुई है, यहाँ आपको एक लिख के बता दिया गया है, ये है चिड़िया, और चिड़िया लिख के आपको बता दिया गया है कि कैसे लिखना है। च में छोटी की मात्रा ची, ड में छोटी की मात्रा डी और य में आ की मात्रा या चिड़िया, और इस लाइन पर से ऐसे आपको लिखना है। तो चलिए अब हम भी लिखते हैं। त क, और क में छोटी ई की मात्रा की, देखिए क से पहले मैं मात्रा लगा रही हूँ इसलिए ये छोटी ई की मात्रा है, और य, य में आ की मात्रा या तकिया। अब तकिया के बाद है निब, ये है निब, निब कैसे लिखेंगे? न, न में छोटी की मात्रा नी और ब निब, ऐसे ही ये एक्सरसाइज आपको करना। अब इसके बाद आपका आता है नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर ई की मात्रा लगाकर सही
शब्द बनाकर लिखो। अब आपको इसमें सही जगह पर ई की मात्रा लगानी है। जैसे कि अब देखिए, यहाँ पे लिखा था रमझम, तो रमझम तो कुछ नहीं होता है, ये तो गलत हो गया। तो रमझम को सही करने के लिए र में छोटी ई की मात्रा री, म रिम और झ में छोटी ई की मात्रा झी और म झिम, रिमझिम लिखा गया है तब ये सही हुआ है। इसी तरह डबया, डबया तो कुछ भी नहीं होता है, तो इसको हम सही करेंगे तो ये बन जाएगा डिबिया। और डिबिया लिखने के लिए हम लिखेंगे ड, ड में छोटी ई की मात्रा डी, ब, ब में छोटी ई की मात्रा बी और या। अब ये बन गया डिबिया। इसके बाद है झलमल, झलमल को कैसे सही करेंगे, झिलमिल, झ, झ में छोटी ई की मात्रा झी, ल, झिल। अब म, म में छोटी ई की मात्रा मी, ल, झिलमिल। इसी तरह से आपको ये पूरा करना है। अब हम आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, साफ साफ लिखो। बच्चों इसमें आपको राइटिंग करनी है। बच्चों जैसे ये मैंने लिखा है वैसे ही आपको भी ये खूब सुंदर राइटिंग में लिखना है, कंप्लीट करना है। और एक बात, ये सारा जो है वो आप एकदम एक साथ मिलाकर नहीं लिखेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा गैप कर करके मैंने जैसे लिखा है ऐसे ही आपको भी गैप कर करके लिखना है और राइटिंग एकदम सुंदर होनी चाहिए। ऐसे ही ये पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है। बच्चों आज हम रटित वर्क करेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, तो हमने यहाँ डेट लिखा है। इसके बाद हम डालेंगे हेडिंग, हेडिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे छोटी ई, फिर छोटी ई की मात्रा बनाएंगे और उसको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क, क में बड़ी ई की मात्रा की। उसके बाद हम लिखेंगे म, म में आ का मात्रा मा, त्र, त्र में आ की मात्रा त्रा, मात्रा। फिर व पे आ की मात्रा वा, ल में ए की मात्रा ले, वाले। श, आधा ब और द, शब्द, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। और यहाँ हम सबसे कॉर्नर में लिखते हैं सी डॉट डब्ल्यू डॉट। ये सब तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि आपने बहुत बार हिंदी कॉपी में वर्क किया है। चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड हम लिखेंगे तिल, तो उसके लिए हमें लिखना होगा त, त में छोटी ई की मात्रा ती, और जब हम मात्रा लगाते हैं तो एकदम डंडे तक यहाँ तक टच कराते हैं, ती, ल, तिल। अब तिल से मिलता जुलता हम शब्द लिखेंगे इधर दी, ल, दिल। अगला शब्द है छ, व, व में छोटी ई की मात्रा वी, छवि। नाउ नेक्स्ट इज क, व, व में छोटी ई की मात्रा वी, कवि। फिर हम लिखेंगे किताब, क, क में छोटी की मात्रा की, त, त में आ की मात्रा ता, ब, किताब। और किताब से मिलता जुलता हम एक और शब्द लिखेंगे गिलास, ग, ग में छोटी की मात्रा गी, ला, ल में आ की मात्रा ला, स, गिलास।
नेक्स्ट हम लिखेंगे बगिया, ब ग, ग में छोटी की मात्रा गी, या, य में आ की मात्रा या, बगिया। आफ्टर दैट द, क, क में छोटी की मात्रा की और या, तकिया। ऐसे आप ये पूरा वर्क सुंदर राइटिंग में शार्प पेंसिल करके बहुत सुंदर सुंदर साफ साफ लिखेंगे।